अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बहावलनगर मौज़ा कासिम का के साथ है चा काकू का, जो दरियाए सतलुज के बिल्कुल करीब है। अभी मैं दरियाए सतलुज के किनारे पर खड़ा हूँ। ये जो आप सिक्योरिटी अहलकार देख रहे हैं, ये सैलाब मुतासरीन के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। अभी भी इधर लोग पानी में फंसे हुए हैं, बहुत हालात ख़राब हैं। बहुत सारी बस्तियाँ यहाँ पर डूबी हैं और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ पर नाजरीन आपको बता दूँ, जो पानी की लंबाई है, इधर जो पानी का सफ़र है तकरीबन वो 20 से 25 किलोमीटर है। तो ये 20-25 किलोमीटर का सफ़र करेंगे और उधर लोगों को खाना देंगे। नाज़रीन आपको बताता चलूं कि यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों से पानी की सतह फिर से बुलंद होना शुरू हो गई है। यहाँ पर बहुत ख़तरा है, अभी भी नुकसानात हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस मुसीबत से बचाए, हमारी ख़ताओं को बख्श दे। न जाने ये सैलाब हमारी कब जान छोड़ेंगे। इस सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचा दी है, बहुत नुकसानात हुए हैं। जो इस सैलाब से नुकसानात हुए हैं वो अब शायद सालों तक ना पूरे हों। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए।